4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में, 4 साल। दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। 9 एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने, और 4 साल 3 महीने लगाए हैं, ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए, अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोषणा की गई। ये बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है, फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर मेरा सवाल यही, एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने बाद आप क्यों ये लाए हैं, पहले क्यों नहीं लाए? जब कानून पारित हुआ, जो बिल पारित हुआ दिसंबर 2019 में, तो हमारी ये सरकार, मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं जल्द से जल्द काम करता हूँ, कुछ देरी नहीं होती है मेरी सरकार में, तो 4 साल 3 महीने क्यों लगे हैं? ठीक है।